नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार पंडित आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ था उनका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, और अलॉटमेंट लेटर किस तरह से आपको डाउनलोड करने हैं मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, मैं सारी जानकारियाँ आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर, जो आपका पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर है, उसे किस तरह से आपको डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर हुआ जारी, और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 2019 फर्स्ट काउंसलिंग, और जल्दी करें, ये किस तरह से आपको करने हैं मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो आप तक सीधे पहुँच सके और सबसे पहले आप हर न्यूज़ की जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, एक और मेरा चैनल है जो राइजिंग IT सेंटर के नाम से है, आप लोगों से अनुरोध है कि उस चैनल को भी आप लोग जो है लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और घंटे के बटन को प्रेस कर देंगे, ताकि उस चैनल के माध्यम से भी मैं सारी जानकारी जो है जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे वो किसी भी माध्यम किसी भी रिलेटेड जॉब हो, वो सारी जानकारी मैं उस चैनल के माध्यम से भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, तो आपको किस तरह से अलॉटमेंट लेटर निकालने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं गूगल पे आ चुका हूँ। गूगल पे आने के बाद आपको BCECE, जी हाँ दोस्तों, BCECE, इसे आपको सर्च करने है, और सर्च करने के बाद जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पर चले जाएँगे, और होम पेज पर आ जाने के बाद आपको आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर में काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCECE 2019 का दिया हुआ, तो आपको इसे क्लिक करने हैं। आप क्लिक करने के बाद फिर से आप एक नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, और व्यू रिजल्ट पे आपको क्लिक करने हैं। तो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि तीन नंबर में आपका दिया गया डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर फॉर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 2019 फर्स्ट काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको जो है क्लिक करने हैं। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इसके लॉगिन आईडी पेज पे चले जाएंगे, तो जो आपका लॉगिन आईडी पेज होगा वो उस लॉगिन आईडी को आपको डाल लेने हैं। आपको सबसे पहले अपना स्ट्रीम चुनने हैं, जो स्ट्रीम आपका है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का आपका स्ट्रीम है, आप इस स्ट्रीम को चुन लेने हैं। तो जैसे ही आप इस स्ट्रीम को चुन लेंगे तो आपको उसके बाद आपका जो है रोल नंबर मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा और सिक्योरिटी कोड देने होंगे। तो जो आपका रोल नंबर होगा, जो पासवर्ड होगा, जो वो आपको इस दोनों बॉक्स में फिल कर लेने हैं, और उसके बाद जो है आपका जो और उसके बाद जो है आपका सिक्योरिटी कोड, आप ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में आपको डाल लेने हैं, और डालने के बाद जो है आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको ऊपर की ओर जो मेन्यू में आपका सीट अलॉटमेंट डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन को अपना चुन लेंगे। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम आया होगा तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, क्या करने हैं आपको और कि क्या क्या करने हैं वो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। जिनका डाउनलोड हो रहा है वो अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, और जिनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है उनके लिए मैं एक नया वीडियो बना करके आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और इतना शेयर करेंगे ताकि जो भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरे हुए कैंडिडेट्स हैं वो अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख सकें। सो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आप सबों का धन्यवाद।